अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। आज मेरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि मैंने कल न्यूज़ में सुना कि हमारे वर्ल्ड में कहीं कहीं जगहों पे ग्रीन गैस ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तब्दीलियाँ आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और इसको ख़त्म कैसे करें यही मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ द इंक्रीज इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कॉजेस इंक्रीज इन ग्रीन गैसेस, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इम्पैक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं इसके, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ये हमारे डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। इम्पैक्ट्स हैं इसके, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, और जो है ग्लेशियर्स जो हैं पहाड़ों में ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली डेट इंक्रीजेज द सी लेवल। अब मैंने यूट्यूब पर देखा था कि एक ग्लेशियर पिघलने की वजह से हमारे पाकिस्तान कंट्री के जो सी है उसकी 2 फीट सतह बुलंद हुई है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये जो है ये कराची जो है ये बहुत जल्द 2040 तक ये पूरा शहर डूब जाएगा। और इसके और इम्पैक्ट जो हैं वो हैं, मोर एविपरेशन विल रिजल्ट इन मोर रेन एंड फ्लड। ज़्यादा ये ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बारिशें और ज़्यादा तूफान आएंगे, जैसे कि अभी सिंध में और बाकी गांव में आए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अ ग्रीन हाउस बिल्डिंग इज अ वॉल एंड रूफ वेयर प्लांट्स आर ग्रोन। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक बिल्डिंग है, एक वॉल है जहाँ पे प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, एक नॉर्मल एटमोसफेयर टेम्परेचर के अंदर वो सब ग्रो करते हैं। द सनलाइट एंटर्स थ्रू द ग्लास एंड वार्म द ग्रीन हाउस। ग्लास के जरिए सनरेज पहुँचती हैं ताकि वो आपका जो ग्रीन हाउस है उसको उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ये सब करते हैं। द ग्लास ट्रैप द वार्मथ इनसाइड एंड डज नॉट लेट द रिटर्न टू द एयर आउटसाइड। बाहर की जो हवा है, अंदर की जो हवा है, ना अंदर की हवा बाहर जाती है ना बाहर की हवा अंदर आती है। वो अलग बात है कि ज़्यादा विंड का फ्लो हो तो वो अंदर आ जाती है। अच्छा, हैंस द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस इज रिमेन हाई इवन आफ्टर द सनलाइट इज गॉन। मतलब कि ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई रहता है, कि सनलाइट हो या ना हो वो उसका एटमोसफेयर जो है वो गर्म ही रहता है। एंड हेल्प द प्लांट्स ग्रोइंग देयर, इसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। सही है। अब ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं ये अगर पूरा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये चीज़ें रोक कर सकते हैं। सो वो मैं आपको बताता हूँ, हम ये सिर्फ रोक सकते हैं। अवॉइड कंटेनिंग वाटर, हम लोग जो हैं ज़्यादा वाटर जो है मतलब रिलीज कर लेते हैं एक तरीके से, ये बहुत सारे वाटर वेपर्स बनते हैं और उसकी वजह से जो है ज़्यादा एवेपोरेशन होती है। यूज क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। आपको पता है एक प्लास्टिक को पूरी तरीके से रिड्यूस होने में कम से कम 6 साल लगते हैं। प्लास्टिक अगर आप जला दें कुछ भी करें पूरी तरीके से रिड्यूस होने में 6 से 10 साल ज़रूर लगते हैं। कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बाय ट्यूनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ओके, रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक बैग्स, न्यूज़पेपर, ग्लास बॉटल्स एंड जार्स। अब हमें ये सारी चीज़ें जो हैं रिसाइकल करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये एक अगर हम लोग प्लास्टिक की वाटर बॉटल जो होती है नॉर्मल एकोसोना की, अगर हम एक वो पी के अगर हम फेंक देंगे तो वो जो है हो सकता है कि लोग उसमें गंदा पानी मिला के दें। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जो रिसाइकल बिन बना रही है
हम वो प्लास्टिक और ये जार ये सारी चीज़ें उसमें डालें ताकि हमारा हमारी वर्ल्ड बन सके। और मैंने ये सुना है कि जहाँ जहाँ ये रेस जिस जिस आदमी को पढ़ ली है उनको बहुत बुरी बीमारियाँ भी हो रही हैं, तो आप लोग भी ये करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में प्लांट्स लगाएं और पॉल्यूशन नहीं फैलाएं। कोई से पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन भी और सारे व्हीकल से आता है, जितने व्हीकल हैं नॉइस पॉल्यूशन आता है उनसे। और जो है आपका एयर पोल्यूशन, तो आपको पता है कि किन किन चीज़ों से आता है, इन सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जो मैंने बोला है उस पर अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं और ये जो बातें हैं इन पे गौर करें कि हमें ग्रीन गैसेस जहाँ पे हैं वो दिन ब दिन उसका होल बढ़ता जा रहा है। अगर सोचेंगे अगर उसका होल ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमारा क्या होगा। थैंक यू।